मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज मैं आपके सामने फिर एक नीट रिजल्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर हुआ हूं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया है, उसका डायरी नंबर, केस नंबर क्या है, उसकी जो हियरिंग डेट है वो क्या है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि रिजल्ट की संभावित डेट क्या हो सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने बुक लिख दी है, उस बुक से आप जानकारी लेके अच्छी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वो जानकारी है जो आप काउंसलिंग के बारे में लेना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं हियरिंग डेट की। जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट के अगेंस्ट, तो उसमें जो हियरिंग डेट है वो 29 अक्टूबर 2021 रखी गई है। इसका जो डायरी नंबर है वो 25798 है और इसका केस नंबर है 01170027 और जो केस टाइप है वो SLP है। तो इस प्रकार से जो हियरिंग होनी है वो 29 अक्टूबर को होनी है। ये जो डेट है फिलहाल टेंटेटिव डेट है, ये कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड डेट है, लेकिन हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस का बर्डन है उसको देखते हुए ये डेट मैन्युअली आगे भी बढ़ाई जा सकती है और एक दिन या दो दिन पीछे भी की जा सकती है। यानी कि केस के मैटर को देखते हुए ये डेट आगे या पीछे की जा सकती है, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये 29 को तो इसकी हियरिंग डेट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं इस हियरिंग डेट में और रिजल्ट कब आ सकता है। तो इसमें दो संभावनाएं होंगी। सबसे पहले ये हो सकता है कि जैसे ही इस केस को स्टडी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको अगर एज इट इज मान लेते हैं, उसको सही मान लेते हैं, तो ये NTA को ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप इन दोनों बच्चों की एग्जाम लेकर के और आप रिजल्ट तुरंत निकालें। मतलब ये है कि इन दोनों बच्चों की एग्जाम लेने के लिए ज्यादा समय की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें एक दिन में ये सब कुछ हो सकता है और दूसरे दिन रिजल्ट भी निकाला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 2020 में 14 अक्टूबर को 80 स्टूडेंट की एग्जाम लेकर के 16 अक्टूबर को रिजल्ट निकाला जा सकता है NTA द्वारा नीट का, तो दो बच्चों की एग्जाम कंडक्ट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक दिन में कंडक्ट करवा के उसी दिन रिजल्ट भी निकाल सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराया जाता है तो 2 या 3 दिन में NTA द्वारा रिजल्ट निकाला जा सकता है। हम मानते हैं कि ये 2 या 3 नवंबर तक रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन अगर इस डिसीजन को सही नहीं ठहराया जाता, सुप्रीम कोर्ट फिर से इसके बारे में सुनवाई करेगा, तो ये डिले हो सकता है, क्योंकि इसमें सुनवाई में जो नेक्स्ट हियरिंग दी जाएगी, प्रॉपर केस को स्टडी किया जाएगा, उसके बाद में किसको नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, किस को फायदा हो रहा है, ये सब सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें जजमेंट दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेट का मतलब हम एक आइडिया मान के चलते हैं कि ये 10 नवंबर के नियर बाई हो सकता है रिजल्ट डिक्लेयर इन दोनों बच्चों की दोबारा एग्जाम हो करके। तो ये दोनों संभावनाएं हैं। ये भी हो सकता है कि NTA को सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट हियरिंग डेट में ही ये डायरेक्ट कर दे कि आप रिजल्ट ओपन कर सकते हैं। तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन हम एक ये संभावना मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन दोनों बच्चों का नुकसान भी नहीं होने देंगे और न ही रिजल्ट लेट होने देंगे। तो इस प्रकार से ये एक रास्ता निकाला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और ये ही निकालने की संभावना है। तो भी देखते हैं 29 को क्या होता है हियरिंग में, जो भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा और इसकी क्या संभावना हो सकती है ये मैंने आपको बता दिया है।
तो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई अपडेट के साथ में मैं आपके साथ फिर एक बार हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।